वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं पाइथन में फैक्टोरियल प्रिंटिंग। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल किसी भी नंबर का असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में उस नंबर के घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम के लास्ट तक का मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमें 6 का फैक्टोरियल चाहिए तो 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इन सब का मल्टीप्लाई जो भी होगा वो इसका फैक्टोरियल होगा। अगर आप चाहें तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। इस तरह से अगर हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मल्टीप्लाई जो भी आएगा वो इसका फैक्टोरियल। इस तरह 4 का, तो किसी भी नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना हो तो इस तरह से हम फैक्टोरियल निकालते हैं। अब इसे पाइथन पर कैसे रन कराएंगे देखते हैं। तो हमने ओपन किया है पाइथन आइडियली और इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे किसी भी नाम से। सबसे पहले हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं एक्स में 5, 4 कोई भी एक वैल्यू, और एक वेरिएबल लेते हैं फैक्ट नाम का। फैक्ट में स्टार्टिंग पर 1 रखते हैं और इसके बाद फॉर लूप लगाते हैं। जैसे हमने लिखा फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन यहाँ पर आपको लगाना है। और रेंज फंक्शन के अंदर आपको देना होता है सबसे पहला शुरुआती वैल्यू, तो शुरुआती वैल्यू हमने 1 दिया है और एक्स तक ले जाना है, यानी जो भी हमने एक्स पे वैल्यू रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्योंकि रेंज फंक्शन एक कम बार चलता है इसलिए x प्लस 1 हमने किया और कॉलन लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं फैक्टोरियल में असाइन करना है फैक्ट इंटू आई का वैल्यू, लेट्स सी। और इसके बाद हम प्रिंट करते हैं इसको फैक्टोरियल को, प्रिंट फैक्ट, लेट्स सी। हम इसे सेव करते हैं और रन करते हैं आइडियली को, तो देखते हैं आउटपुट। लेट्स सी, सिंपली आउटपुट हमें मिला 24। ये कैसे काम कर रहा है देखते हैं। सबसे पहले हमने फैक्टोरियल पर असाइन किया हुआ है फैक्ट इनटू आई का वैल्यू। फैक्ट का वैल्यू है 1 और आई का वैल्यू भी है 1, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा और फैक्ट पर असाइन हो जाएगा 1। अगली बार लूप चलेगा और फैक्ट का वैल्यू 1 ही रहेगा लेकिन आई का वैल्यू चेंज होकर 2 होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर फैक्ट पर असाइन हो जाएगा 2। अब की बार लूप चलेगा, कंडीशन चेक होगी और वापस आई का वैल्यू 3 होगा, फैक्टोरियल का वैल्यू 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई असाइन होगा फैक्ट पर। इसी तरह अगली बार लूप चलेगा और आई का वैल्यू बढ़कर 4 होगा और 4 का 6 पे मल्टीप्लाई होगा और असाइन होगा वैल्यू फैक्टोरियल पर 24, जिसकी वजह से 24 प्रिंट होके आ जाएगा। अभी एक बार हम इसी प्रोग्राम पर यूजर से वैल्यू इनपुट लेकर दें, लेट्स सी। तो हम एक्स पर असाइन करते हैं जो भी यूजर इनपुट करे। हमने इसके लिए इंट फंक्शन कॉल किया और इनपुट फंक्शन को कॉल करना है। इस पे हम मैसेज देते हैं इंटर एनी नंबर, ठीक है। ये मैसेज यूजर के लिए है और सिंपली हम यहाँ पर एक मीनिंगफुल मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हम लिख दे रहे हैं कुछ स्ट्रिंग में। फैक्टोरियल इज हम इस तरह से लिख रहे हैं, फैक्टोरियल इज, और इक्वल टू चाहे तो लगा दें और इसको स्ट्रिंग करना है फिर कॉमा लगाना है। एक बार इसे सेव करते हैं, रन करते हैं, लेट्स सी आउटपुट आ रहा है इंटर एनी नंबर। तो हम यहाँ पर इंटर करते हैं 4, लेट्स सी। तो फैक्टोरियल इज 25। तो ऐसे आप पाइथन पर फैक्टोरियल प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देखेंगे जो आपके ओ लेवल को कंप्लीट करेगा एक बार में। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोग्राम्स कंप्लीट करें ताकि एक बार में आपका ओ लेवल कंप्लीट हो। यहाँ पर हम बहुत सारे प्रोग्राम की लिस्ट दे रहे हैं जो बार बार पूछे जाएंगे और ये प्रोग्राम बहुत बार पूछा गया है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए